ग्राम पंचायत डुग्गा के तहत साई गांव में मंगलवार दोपहर को भयंकर अग्निकांड हुआ। अग्निकांड में एक परिवार को 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। मंगलवार को अचानक दोपहर बाद मकान की ऊपरी मंजिल में आग लग गई। देखते ही देखते ऊपरी मंजिल के कमरों में रखे 4 डबल बेड, 4 सोफा सेट, रजाइयां, गद्दे, गोदरेज, अलमारी, कमरों की खिड़कियां, दरवाजे व बाथरूम में लगा गीजर आग की चपेट में आकर चल गया। ग्राम पंचायत डुग्गा के तहत साइंग गांव में दोपहर को भयंकर अग्निकांड हुआ। अग्निकांड में एक परिवार को 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अचानक दोपहर बाद मकान की ऊपरी मंजिल में आग लग गई। देखते ही देखते ऊपरी मंजिल के कमरों में रखे 4 डबल बेड, 4 सोफा सेट, रजाई, गद्दे, अलमारियां, कमरों की खिड़कियां, दरवाजे, वायरिंग वो बाथरूम में लगा गीजर आग की चपेट में आकर जल गया है। आगजनी में संबंधित परिवार को 10 लाख का नुकसान आका गया है। जानकारी के अनुसार साई गांव के हरिचंद पुत्र स्वर्गीय गरीब राम उग्याल डागर डुग्गा तहसील जिला हमीरपुर की 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक से आग लग गई। आग लगने का पता तब चला जब ऊपरी मंजिला से धुआं सहित आग की लपटें निकलना शुरू हुई। आग लगने के बाद लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। दोपहर करीब 12 बजे आगजनी की ये घटना हुई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 2 घंटे तक कड़ी मुशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि समय पर हुई कार्रवाई के साथ लगते घरों को आग की चपेट में आने से बचाया गया है। अग्निशमन विभाग की लीडिंग फायरमैन देवेंद्र सिंह भाटिया ने बताया कि आगजनी में परिवार को 10 लाख का नुकसान हुआ है। रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल में रखा सामान जलकर राख हो गया है। इसमें कीमती वस्तुएं शामिल थी।